बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या हाल चाल है? अभी मैं जो आपको जगह लेके जा रहा हूँ, ये DHA है बावलपुर का, 6-7 साल पहले डेवलप हुआ है। उससे पहले यहाँ पे जो है बिल्कुल टिब्बे होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। जब हम यहाँ से इस साइड से गुजरते होते थे, अव्वल तो कोई आता नहीं था, अगर आते थे तो टिब्बे होते थे बड़े बड़े। और आज यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, और अभी मैं यहाँ पे बैंकेट हॉल बना है, ग्रैंड रोही बैंकेट हॉल, और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और उसका नाम भी उसके ग्रैंड रोही होने की वजह भी यही है कि ग्रैंड रोही जो है वो बिल्कुल चोलिस्तान के मिडल में बना है। ये ऑलमोस्ट चोलिस्तान का मिडल है भावलपुर सिटी। सराउंडिंग में तो बहुत ज़्यादा टीले हुआ करते थे, और अब जो है अब हम ग्रैंड रोही चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जहाँ 6-7 साल पहले, 8 साल पहले मैक्सिमम टीले हुआ करते थे, अब वहाँ पे जो ग्रैंड रोही बना है DHA में, DHA भावलपुर में, वो कैसा है। ये जो लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी लेफ़्ट साइड पे, ये जहाँ मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ, ये ग्रैंड रोही है। ये जी ग्रैंड रोही बैंक्वेट का बोर्ड लगा हुआ है, और हम अभी आगे थे यू टर्न लेके सर्विस रोड जाते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है ग्रैंड रोही की, अभी हम इसके अंदर एंटर होने लगे हैं। ये यहाँ का रोही का खाना है। स्मेल्स गुड, लेट्स सी के खाना में ये आगे भी मेरे ख्याल से ऐसे ही प्लेटर्स में। शेख साहब बताएं कैसा लग रहा है? अच्छा, नान का डिफरेंट टच है। नान का डिफरेंट टच है, मटन इज क्वाइट गुड, और चिकन इवनली रोस्टेड है, तो आई विल गिव इट 10 out of 10। जी भाई बताइएगा कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? हमारा ये फर्स्ट एक्सपोजर था, और अभी तक इसकी हमें बहुत अच्छा ना एक रिव्यू हम रिव्यूज देने के आज काबिल होंगे। सबसे पहले बात इसकी पार्किंग पॉलिसी, धौलपुर के अंदर इस तरह की पार्किंग पहले कभी भी कहीं पर भी नहीं। और उसके बाद से जैसे आपको मजे की बात बताते हैं, इसकी इंटरेस्ट आप देखेंगे, डायनेमिक कलर्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं जो बड़े प्रोमिनेंट हैं और आई कैचिंग है। इसके साथ टाइट से हमने एक अच्छा डिनर भी किया, हमने अच्छा टेस्ट था, यूनिक टेस्ट इस हवाले से कि उन्होंने एक डिफरेंट टच दिया था अपने नान के अंदर, और बड़े मज़े का हमारा ये आज एक्सपीरियंस रहा। तो होप सो दोबारा भी हम इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। Thank you.
खाली अभी बात नहीं होगा, लेकिन चीज़ें बन चुकी हैं बहुत ज़्यादा।